हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा छोटा आईटी शेयर लेके आया हूँ, माइक्रो कैप कंपनी का है, मतलब बहुत छोटा स्टॉक है, कम प्राइस में भी है, जिसने काफ़ी अच्छा अब पिछले 6 महीने में रिटर्न्स भी दिए, एज वेल एज एक आईटी से रिलेटेड स्टॉक है जो कि आज की डेट में भाग भी रहे हैं। तो आइए इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, क्या करती है कंपनी, ओके एग्जैक्टली उसके बैलेंस शीट एंड सारा थोड़ा बहुत उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको शेयर से रिलेटेड मिलती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कंपनी है वो आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती है, और मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो लगभग 463.34 करोड़ रुपीस का, मतलब माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। पी रेशो की बात की जाए तो इंडस्ट्री का पी जहाँ पर 18.82 है, वहीं पर इसका पी इससे हाफ है, मतलब कम है, 8.10 पी है इसका रेशो है। नेट सेल्स की बात की जाए तो जून में इनके सेल्स में गिरावट जरूर हुई थी 277.09 करोड़ की, बट वहाँ पर भी उनका प्रॉफिट अगर बात की जाए तो 14.06 करोड़ रुपीज़ का उनका प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप बड़ी कंपनी से ही बात की जाए, TCS या बड़ी कंपनी से बात की जाएगी, तो वहाँ पर भी सेल्स में गिरावट थी और नेट प्रॉफिट में वहाँ पर बढ़ोतरी थी। तो आइए वीडियो उस हम शेयर का नाम जान लेते हैं, कौन सा शेयर है जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो शेयर का नाम है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, ओके। आज और इसका प्राइस देखेंगे तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, केवल 79 रुपीज़ का ये शेयर है, ओके। माइक्रो कैप कंपनी है, तो माइक्रो कैप में आपको बताना चाहता हूँ कि वॉलेटिलिटी बहुत होती है, भागता है तो बहुत भागता है, बेहतरीन रिजल्ट देता है, बट आप अगर गिरता है तो उसी तरीके से गिरता भी है, ओके। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ माइक्रो कैप है, तो इसके बारे में और बातें करेंगे। तो आज का परफॉर्मेंस देख लिए, वन डे ओके नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 2% की गिरावट, 5 डेज में ओके लगभग इतना ही एसी की रेंज में चल रहा है, 1 मंथ में देखेंगे तो आपको यहाँ 66 रुपीज़ का शेयर ओके आपको 79 में आपको दिखाई दे रहा है, और 6 मंथ में आपको इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग 40 रुपीज़ का शेयर अभी 79, और मैक्सिमम की बात की जाए तो लगभग 88 रुपीज़ तक भी ये मैक्सिमम किया है। और 1 ईयर की भी बात की जाए पूरी, ओके ईयर टिल डेट में अगर 1 ईयर की भी बात की जाए तो इसी कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है, तो जहाँ पर ये शेयर लगभग 80 रुपीज़ के आसपास था गिरावट से पेंडामिक से पहले, ओके पेंडामिक में लगभग 30 रुपये 29 रुपये में आ गया था, क्योंकि माइक्रो कैप है तो बहुत ज़्यादा गिरता है और अच्छे खासे लेवल पर ये आपको गिरता हुआ नज़र भी आया है। अगर बात की जाए तो लगभग 60% ये शेयर गिरा है, बट अगर उसी के लिहाज से अगर बात की जाए तो लगभग कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 165% का, 170 अगर मैक्सिमम कर दिया है तो 200% तक का रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को विद इन 6 और 7 मंथ्स में पैंडमिक में अपने दिया है। तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है। 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो लगभग उसी फेज़ में, उसी कंसोलिडेशन फेज़ में ये चलता आ रहा है, बट मैक्सिमम की बात की जाए तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि माइक्रो कैप कंपनी भागती है तो बहुत जोर से भागती है, और गिरती है तो उसी जोर से गिरती है, ओके। 2004 में ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो इस तरीके से ये फिर उसके बाद गिरती आई है। वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी है, बट इसके बाद 2008 में तो क्राइसिस आपको पता ही है आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, और फिर इस कंपनी में वॉलेटिलिटी देखिए ऊपर गया और नीचे गया, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, माइक्रो कैप कंपनी है, ओके। तो छोटी कंपनी है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और छोटा प्राइस है, आईटी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। और 6 मंथ में आपके रिटर्न्स की जैसे मैं बात कर रहा हूँ पैंडामिक से लेके अभी तक जो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो लगभग 150-200% के रिटर्न हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको बताना चाहता हूँ, 52 वीक लो 24 मार्च को ही 27 रुपीज़ का ये मिल रहा था, और 52 वीक हाई की अभी सेप्टेम्बर में 17 सेप्टेम्बर को 90 रुपीज़ तक ये भागा भी था, और लगभग 63.79% की डिलीवरीज आज की डेट में उठाई गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बल्कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ाई भी है 74.29 की, और पब्लिक के पास 24.71% की हिस्सेदारी है। डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी डिविडेंड हमेशा देती आई है, 1-2 रुपये का या कुछ पैसे का, 25 पैसे 75 पैसे, 2018 में 2 बार इसने डिविडेंड दिया 50 पैसे एंड 25, और 19 में 1 रुपीज़ का इसने डिविडेंड दिया,
और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कोई भी शेयर होल्डर्स ने कोई भी अपना 1 रुपये भी कर्ज में नहीं रखा है, मतलब उन्होंने कोई भी अपना शेयर गिरवी नहीं रखा है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया गया है। 6 मंथ की बात की जाए, रिटर्न्स ऑलरेडी मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा चुका हूँ, 10 साल में देख लीजिए 144% के रिटर्न है। बट ये कंपनी माइक्रो कैप है तो जितने नीचे से मिल जाए तो काफ़ी अच्छा ये शेयर माना जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की एक बार शो कर देता हूँ, तो देखिए स्लाइटली स्लाइटली शेयर होल्डर्स ने अपनी हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बढ़ाई है। इससे पहले 74.71 थी, अभी 74.29% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर 0.24% की हिस्सेदारी रखते हैं, म्यूचुअल फंड 0, इंश्योरेंस 0, अदर DIIs ने अपनी भी अभी की डेट में 0 दिखाई दे रहे हैं, और नॉन इंस्टीट्यूशन 25.47% की हिस्सेदारी साफ दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट की तरफ एक बार रुक कर लेते हैं, तो बैलेंस शीट में आपको दिखाना चाहता हूँ रिजर्व्स। देखिए काफ़ी बेहतरीन रिजर्व्स है, लगभग 462 करोड़ रुपीज़ के इनके पास रिजर्व्स हैं, 462 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स। एज वेल एज बोरोइंग की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कोई भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में इन्हें कोई पैसे नहीं है, बस शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो 1 साल के अंदर अंदर इन्हें देना है, लगभग 48.75 करोड़ रुपीज़ का इनके पास बोरोइंग है। माइक्रो कैप कंपनी है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग 43.65 करोड़ रुपीज़ के इनके पास कैश एंड रिजर्व्स भी है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी है, जो कि आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और करंट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लगभग 1.93 करोड़ रुपीज़ का इनके इन्होंने अभी कहीं करंट इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। और एसेट की बात की जाए तो लगभग 634.56 करोड़ रुपीज़ का एसेट इनके पास अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए जैसे कि मैं ऑलरेडी एक तो वॉलीटिलिटी दिखा देता हूँ, किस तरीके की वॉलीटिलिटी इन शेयर में है। मैक्सिमम अगर चार्ट पैटर्न जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, तो देखिए क्या वॉलीटिलिटी है, एज वेल एज ये शेयर माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये शेयर गिरेगा तो इतना ज़बरदस्त गिरेगा, ठीक है, आपका सारा प्रॉफिट और आपका मूलधन जीरो हो सकता है। और वहीं पर ही अगर अब ये बढ़ेगा तो आपको रिटर्न्स मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए थे कितने, 200% के रिटर्न। ओके, 6 मंथ में, लगभग 6 मंथ में इसने कितने परसेंट के रिटर्न दिखाए, 200% के रिटर्न आपको दिखाए, तो वही 200% के रिटर्न भी आपको बहुत जल्दी बनते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं तो अभी तो ये आपको बताना चाहता हूँ 52 वीक हाई के अबाउट पहुँच चुका है मार्केट में का, अभी वैसी बहुत अनसर्टेनिटी है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मार्केट जब गिरे, ओके, जब मार्केट गिरे और आपको कम प्राइस में ये दिखाई दे, कम प्राइस में आपको अगर ये मिल जाता है कि जैसे कि आपको वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, अगर इस प्राइस में और भी कम प्राइस में मिल जाता है तो उसको थोड़ी बहुत क्वान्टिटी उठा के आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए रख लेना, जैसे बढ़े वहाँ पर आप बेच देना। ओके, तो इसमें आप ये कर सकते हैं। बट इसमें आपको फिर बताना चाहता हूँ, माइक्रो कैप कंपनी है तो ज़्यादा पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 10-15-20 शेयर लेके रख लेना, ओके, जो कि आपको बहुत जब 500,000 रुपये में मिल जाएंगे, जब ये नीचे आ जाए उस टाइम ये शेयर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो यही इससे रिलेटेड वीडियो थी। ओके, और कंपनी का बिजनेस की भी बात कर देता हूँ, IT सॉफ्टवेयर जो कि मैंने आपको बताया था, तो इट इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ कंसल्टिंग, ओके, कंसल्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट एंड BPM बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज है। ओके, इस सर्विस यूज रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातें हो रही है, IT से रिलेटेड बातें हो रही है, कि एज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ओके, हेड और रोबोटिक प्रोसेस और रोबोटिक में भी ये काम करता है। तो काफ़ी अच्छी ये बिजनेस में है। एज वेल एज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो प्रेजेंस है, ओके, जो ये काम करती है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ओके, UAE एज वेल एज यूरोप, ओके, काफ़ी मतलब इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा बाहर भी ये काम करते हैं। मुंबई बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो काफ़ी अच्छे वर्क भी करता है। IT सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये वीडियो था। ओके, इस कंपनी में IT सॉफ्टवेयर से काम करती है, BPM से काम करती है, रोबोटिक AI की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम करती है, तो इसलिए आप इसकी तरफ ध्यान लगा सकते हैं। और ज़्यादा कोई महंगा शेयर है नहीं, जब आपको नीचे मिल जाए गिरावट में तो ये सिर्फ आप उठा सकते हैं।
अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, एज क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो शेयर बाजार से रिलेटेड मैं आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।